हे एवरी वन वेलकम बैक टू एनके के बायोलॉजी क्लासेस आई एम योर एजुकेटर निकिता करगेती इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स में कैसे सोशल बिहेवियर वो शो करते हैं हम ये देखेंगे सो so, आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि इंसेक्ट्स में कैसे बिहेवियर वो शो करते हैं अपना तो इसमें है हमारे पास हनी बी एंड आंट्स हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आंट्स एंड हनी बी के बिहेवियर को सो so, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी सो वी ऑल नो कि हनी कैसे रहती है कलोनी में रहती हैं कलोनी का मतलब कि वो किस में रहेंगी ग्रुप्स में रहेंगी सिर्फ अलग नहीं रह सकती हैं हनी भी हनी भी क्या हम अगर सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं हनी भी या आंट्स की सो ये किस पे डिपेंड करता है क्या कहेंगे हम सोशल बिहेवियर का मतलब ये क्या होंगे ग्रुप्स में होंगे ओके एंड वर्क क्या करेंगे ये ग्रुप्स में ही वर्क करेंगे अपना सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हम कह सकते हैं कि दे फॉर्म कलोनी वो किस में रहते हैं कलोनी में रहते हैं और एक कॉलोनी में कितने रह सकते हैं फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड हनी भी वन कलोनी में फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड हनी भी रह सकते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीम इन दैन सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जितने भी इसमें हनी भी हैं हर किसी का अपना अपना वर्क होगा सो so, उन उसको हर किसी को क्या दिया जाएगा उसका एक अपना पर्टिकुलर वर्क दिया जाएगा इसी का हम क्या कह रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर सो so, पहले हम देखते हैं कि हनी का साइज़ सो so, जो हनी होती हैं उनके साइज़ेस में भी डिफरेंस होते हैं सो so, फर्स्ट तो वन कॉलोनी में थ्री टाइप्स की बीस पाई जाएंगी थ्री टाइप की हनी पाई जाएंगी वो क्या है वर्कर क्वीन एंड ड्रोन हम इनके बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या हैं सो फर्स्ट है ड्रोन so, तो ड्रोनस क्या हैं ये क्या होते हैं आप अगर स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे आप वर्कर देख रहे हैं वर्कर से बड़े हैं एंड क्वीन से ये छोटे हैं सो so, हम क्या कह सकते हैं दे आर स्मॉलर देन क्वीन एंड बिगर देन वर्कर्स और यहाँ आप कलोनी देख रहे हैं ये ये कलोनी में जिस तरीके को आपके हनी बीज दिखाई दे रहे हैं सो so, वन कलोनी में वन डजन टू थ्री हंड्रेड ड्रोन्स पाए जाएंगे वन डज़न टू थ्री हंड्रेड ड्रोन्स कहाँ पाए जाएंगे एक कलोनी में पाए जाएंगे अब हमने पढ़ लिया कि आपके आ, ड्रोन्स क्या हैं अब हम देखेंगे कि क्वीन क्या करती है क्वीन क्या है क्वीन का मतलब क्वीन तो क्या होगी अगर क्वीन की बात की जा रही तो बहुत सारी तो होंगी नहीं ओनली वन सो क्वीन यहाँ हनी भी में भी कितनी होती है सिर्फ एक क्वीन होती है सो so, वन क्वीन इज फाउंड इन ए कलोनी एक कलोनी में सिर्फ एक ही क्वीन मिलेगी एंड इसकी लेंथ कितनी होती है कितनी लंबी होती है 15 टू 20 नैनोमीटर लॉन्ग एंड ये क्या होती है लार्जेस्ट बी एंड गिव्स एग ये क्या होती है सबसे लार्जेस्ट होती है अब अगर स्ट्रक्चर में देखें बीस के तो सबसे लार्जेस्ट कौन है क्वीन सो so हम कह सकते हैं कि आपकी क्वीन क्या होती है लार्जेस्ट बी होती है और ये क्या देती है एग देती है और इसका कुछ काम नहीं होता है क्वीन का काम ही क्या होता है कुछ भी नहीं बस ये क्या है एक रिप्रोडक्शन का, का काम करेगी फिर आते हैं हम वर्कर्स पे तो वर्कर्स क्या है हमने देखा था ड्रोन्स क्या थे मेल थे एंड वर्कर्स क्या होते हैं फीमेल वर्कर होते हैं ड्रोन्स क्या थे मेल वर्कर थे एंड यहाँ पे जो हम नॉर्मल वर्कर की बात कर रहे हैं ये क्या है फीमेल वर्कर हैं एंड ये क्या होंगे सबसे छोटे होंगे साइज में सो so ये क्या होंगे स्मॉल इन साइज एंड हम कह सकते हैं कि नाइन्टी परसेंट जो वर्कर होते हैं वो वन कलोनी में कितने परसेंट वर्कर, वर्कर पाए जाते हैं नाइन्टी परसेंट वर्कर पाए जाते हैं सो दे आर नाइन्टी परसेंट इन कलोनी तो सबसे ज़्यादा अगर किसी हम बात करें हाइफ़ की तो नाइन्टी परसेंट उसमें क्या पाए जाएंगे वर्कर्स पाए जाएंगे अब देखिए हमने इतना उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है कि हमने देखा कि वर्कर्स हैं इसमें क्वीन है और ड्रोन्स हैं हमने इनके साइजेस में देखा साइजेस में डिफरेंस है लार्जेस्ट कौन है बीज में वो है क्वीन एंड देन स्मॉलेस्ट कौन है वर्कर एंड जो इसमें रिप्रोडक्शन का, का काम कौन कर रही है क्वींस सो so, अब देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ डांसिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी अब हम देखेंगे कि वो क्या किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं यही इसका मेन बिहेवियर देखेंगे हम यहाँ कि ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं सो so, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ का यूज करती है डांसिंग का यूज करती है डांसिंग बिहेवियर शो करती है सो फर्स्ट डांस आता है राउंड डांस आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे आपको दिख भी रहा होगा डांस अब देखो होगा क्या जो उनका हाइव है हाइव के सेवेंटी टू एटी मीटर्स के पास में अगर क्या हो उसका फूड सोर्स आप हनी को मिल जाएगा तो वो क्या करेगी एक राउंड सर्कल में क्या करेगी एक डांस परफॉर्मेंस शो करेगी मीन्स राउंड घूमेगी जैसे इसमें शो कराया है वो क्या करेगी राउंड सर्कल में डांस करेगी कहाँ वो आई उसने फ्लावर देखा एक फ्लावर चूज़ किया एंड देन वो क्या करेगी आ, अपने हाइव में आएगी एंड हाइव में जो उसके साथ के जितने भी हैं उन्हें क्या करेगी अपना डांस शो करवाएगी परफॉर्म किस तरीके का एक राउंड डांस और जब ये डांस होता है सो इसमें क्या होता है कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होती है ओके okay. एंड क्या करती है ये जब जब फ्लावर के पास जाती है इसको अगर कोई अच्छा फ्लावर मिलता है देन ये अपनी कॉलोनी में आ रही होती है तो ये क्या करती है सबसे पहले उस जो फ़्लावर है उससे क्या लेगी पॉलिन ले लेगी ले ले और उसको कहाँ ले जाएगी अपने हाइव में ले जाएगी वहाँ अपने साथ को जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें क्या शौक दिखाएगी उसको उसकी ऑर्डर दिखाएगी मीनस उसकी स्मेल दिखाएगी और उसको टेस्ट करवाएगी जिससे वो क्या करें उसको वो इन लोकेशन को इंडिकेट कर सके और वो क्या देख देख सके कहाँ फूड है उसे पहचान पाए सो so, ये था राउंड डांस राउंड डांस में कुछ नहीं होता है बस वो एक क्या करती है राउंड डांस शो क्रिएट करती है उसमें वो क्या लेके आएगी पोलेंड भी अपने साथ लेके आएगी जिसकी ऑर्डर जो फूड है उसकी और उसकी क्या है खुशबू उन्हें सुनाएंगी खुशबू देखेंगे वो उसकी एंड उसके बाद क्या करेंगे वो वो उसको टेस्ट करेंगे एंड देन वो इंडिकेट करेगा कि आपको किस तरफ जाना है कहाँ फूड है सो राउंड डांस के बाद आता है आपका वेगल डांस वेगल डांस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ वेगल डांस क्या होता है जब फूड क्या हो डिस्टेंस पे हो एक सो ये क्या करते हैं हनी बीस ये एक वेगल डांस परफॉर्म करती हैं देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा सो द डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स इज इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ वेगल यहाँ पे वेकल्स हो चुका है यहाँ पे क्या आएगा वेकल आएगा So, आप इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा नंबर ऑफ वेगल है देखिए जितने बार वो वेगल शो करेगी वो क्या बताएगा कि आ, कितनी डिस्टेंस पे आपका फूड है और क्या शो करेगी आ वो क्या करेगी बजिंग करेगी आपने देखा है ना भिन भिनाती हैं तो वो भी क्या करेगा कि बताएगा कि कितनी ड्यूरेशन पे है वो कितना टाइम लगेगा सो डिस्टेंस किससे बताएगी वो वेगल से बताएंगी जितने बार वो वेगल डांस करेगी वो डिस्टेंस बताएगा एंड जब वो जितने बार वो बजिंग करेगी वो क्या बताएगा ड्यूरेशन बताएगा सो आप नंबर ऑफ वेगल है इसे सही कर दीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट पार्ट ऑफ डांस वेन द बी वेगल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फूड जब वो क्या करेगी सन की तरफ मूव कर रही है सो so, वो क्या करेगा कि फूड uh, किस तरफ है सन के साइड्स को है तो वो इंडिकेट करेगा जब वो स्ट्रेट ऊपर स्ट्रेट जाएगी सो so, वो क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में है वो सन की डायरेक्शन में है एंड अगर वो क्या करती है उसके डाउनवर्ड्स uh, मीन्स नीचे की तरफ मूव uh, करती है ठीक है जब वो वेगल डांस किस तरफ को? जो उसकी कोम है आपको दिख रहा होगा नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ करेगी तो वो क्या बताएगा कि फूड क्या है आ, उसके अपोजिट में है सो so आपको याद रखना अपवर्ड का मतलब कि वो कहाँ की तरफ करेगी अपवर्ड में जाती तो वो कहाँ बताएगी कि सोर्स क्या है वि, लाइन विद इन दी सन एंड जब क्या होगा कि फूड क्या हो डाउनवर्ड्स हो नीचे की तरफ हो तो वो क्या होगा कि वो बताएगा कि ये क्या है सन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें जो डांस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बताएगा कि आप फूड किस तरफ है आपने देखा कि राउंड डांस में वो कुछ नहीं वो बस इतना बताएगा कि नज़दीक अगर फूड आपके ज़्यादा नज़दीक हो दूर ना हो फूड अगर नज़दीक होगा तो वो शो करेगी एक राउंड डांस एंड अगर फूड क्या होगा दूर होगा डिस्टेंस पे होगा तो वो क्या करेगी एक वेगल डांस शो करेगी यही क्या दिखाता है उसका सोशल बिहेवियर दिखाता है हनी बी का एंड यहीं पे सोशल बिहेवियर ऑफ हनी भी में जो उसकी डांस लैंग्वेज है उसको किस चीज़ में हेल्प कर रही है ये भी कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं सो so, ये क्या बताएगी कि फूड की लोकेशन बताएगी कि फूड कहाँ है या फिर बता सकती है कि सोर्स ऑफ पोल एंड वाटर ये सिर्फ वॉ फूड का ही नहीं बता रही है वाटर का भी बताएगी जब ये राउंड डांस शो कर रही तो उसमें ये बताएगी कि पोलन भी, बता भी बता सकती है कि वाटर भी बता सकती है कि कहाँ पे है एंड ये क्या बताएगी जो आपके क्या है अगर वो नए कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है न्यू नेट बनाना नेस्ट बनाना है अगर उसे ये नेस्ट है न्यू नेस्ट नेट नहीं है नेस्ट तो आप इसको भी सही कर लीजिएगा ये क्या करेगी उस टाइम पे भी क्या होगा अपनी डांसिंग को शो करेगी सो आई होप आपको ये आ, आ, वीडियो पसंद आया हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और इसको शेयर करें सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हनी भी किस तरीके से अपनी डांस परफॉर्म करती है हनी भी कलोनी में रहती है अगर हम सोशल हम बात कर रहे हैं इसके सोशल बिहेवियर की तो सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या होंगे अगर चाहे वो आंट्स हों चाहे वो हनी भी हों वो क्या होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स में होंगे सोशल बिहेवियर का मतलब वो ग्रुप्स में होंगे और हर पर्टिकुलर आ, इंसेक्ट्स का अपना जो ग्रुप है उसमें हर पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का अपना एक वर्क होगा सो so, वही क्या दिखा रहा है सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स सो बाय बाय टेक केयर